हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो लास्ट टाइम हमने एक थ्योरम का प्रूफ देखा, विच वाज लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे हम मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं और बहुत शॉर्टकट में उसको LMVT थ्योरम भी कहते हैं। सो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल रिलेटेड टू LMVT। ठीक है, सो द फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका कि f(x) इज इक्वल टू x इंटू x माइनस वन, x माइनस टू इन दिस क्लोज इंटरवल 0, 1/2। ठीक है, और आपको पता है कि लैग्रांज यानी कि LMVT थ्योरम क्या कहती है आपकी। LMVT थ्योरम कहती है कि किसी क्लोज इंटरवल पे फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल पे डेरिवेबल होना चाहिए, और कुछ कहती है और कुछ नहीं कहती है। और ये दोनों कंडीशन होने पर हम ये कहते हैं कि एक ऐसा सी आपको उस ओपन इंटरवल ए बी में ऐसा ज़रूर मिलेगा सच दैट कि f'(c) इज इक्वल टू f(b) माइनस f(a) डिवाइड बाई b-a। तो ये चीज़ हमने वेरीफाई करनी है। ठीक है, सो देखिए, ये एक पॉलिनोमियल है x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा x³ माइनस 3x² प्लस 2x। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली एक पॉलिनोमियल है x, x माइनस वन, x माइनस टू, तो ये तीनों कंटिन्यूस है तो उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस है। सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, सिंपल सी बात है, डेरिवेबल भी है। जब आप इसको इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे f'x तो कितना आएगा, ये 3x² माइनस 6x प्लस 2 आएगा, और इसमें कहीं पर भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रही, यानी कि कहीं पर भी इन्फिनिटी नहीं आएगी किसी भी x को यहाँ पे पुट करने पर। x जो है 0, 1/2 इस ओपन इंटरवल में से लो, इसमें डालोगे तो कहीं पर भी इन्फिनिटी वगैरह नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि डिफरेंशिएबल भी है। तो हम यहाँ पे LMVT थ्योरम लगा सकते हैं कि एक ऐसा सी इस ओपन इंटरवल 0, 1/2 में ऐसा मिलेगा सच दैट कि जो वहाँ पे लिखा गया है कि f(b) यानी कि f(1/2) माइनस f(0) डिवाइड बाय b-a यानी कि 1/2 माइनस 0 इज इक्वल टू f'c। तो जहाँ पे x है वहाँ पे c रख दीजिए, 3c² माइनस 6c प्लस 2 है ना। तो अब जो है f(1/2) निकाल दीजिए, यानी कि यहाँ पे 1/2 रखेंगे। सो 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इज माइनस हाफ, 1/2 माइनस 2 इज माइनस 3/2 डिवाइड बाई 1/2। सॉल्व करने पर आप पाएंगे कि ये 3/4 आता है। तो ये जो पार्ट है 3c² माइनस 6c प्लस 2, ये किसके बराबर आएगा, 3/4 आएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 12c² माइनस 24c प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनता है। इसको आप जो है फॉर्मूला लगा के सी निकाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए दो दो इसके आंसर आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली दो रूट आएंगे। एक आएगा आपका सी 1+√21 डिवाइड बाई 6, और दूसरा आएगा 1-√21/6। लेकिन हम ये वाला चूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरम क्या कहता है कि एटलीस्ट एक मिलना चाहिए, एटलीस्ट एक मिलना चाहिए। तो ये जो वाला पार्ट है ये इस ओपन इंटरवल 1/2, 0 से लेकर 1/2 में बिलोंग करता है, तो इसीलिए हम ये वाला लेंगे। तो ये बिलोंग करता है जो कि इस चीज़ को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सो इस तरह से आप पहला एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो जब हम LMVT थ्योरम पढ़ रहे थे तो हमने कुछ डिडक्शन निकाले थे LMVT थ्योरम से, और एक उसमें से ये निकाला था कि अगर f'x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है, और अगर f'x लेस देन 0 है तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो यही इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि शो दैट इफ x इज ग्रेटर देन 0, log(1+x) इज ग्रेटर देन x/(1+x)। ये चीज़ हमने शो करनी है। ठीक है, हेंस प्रूव दैट, मतलब इसी से हमने दूसरी चीज़ भी प्रूव करनी है कि एक्स इनवर्स log(1+x) इज डिक्रीजिंग मोनोटोनिकली एज एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to ∞। तो दो चीज़ें हमने प्रूव करनी है कि एक log(1+x) जो है वो x/(1+x) से बड़ा होता है, और दूसरा ये कि एक्स इनवर्स log(1+x) जो है ये एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको शो करते हैं। अब देखो, मुझे ये दिस थिंग इज़ ग्रेटर देन दिस, ये शो करने के लिए क्या लेना पड़ेगा कि इसमें से ये माइनस कर देती हूँ, अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो ये चीज़ होल्ड हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम एक फंक्शन बनाएंगे f(x) विच इज़ इक्वल टू क्या होगा, ये log(1+x) माइनस x/(1+x)। ठीक है, तो अब मुझे इसको क्या दिखाना है, ग्रेटर देन 0 दिखाना है, तभी ये यहाँ जाएगा और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये चीज़ दिखानी है मैंने,
तो ये कैसे दिखाऊंगी मैं, एफ डैश एक्स लेकर और एल एम वी टी थियरम लगा के। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये, सॉरी यहाँ पे वन प्लस एक्स आ जाएगा, है ना। सो दिस इज लॉग वन प्लस एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स, और ये क्या है आपका यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगा दीजिए आप कि पहले का डिफ्रेंशिएशन वन और नीचे का एज इट इज़ वन प्लस एक्स माइनस फर्स्ट एज इट इज़ नीचे का डिफ्रेंशिएशन डिवाइड बाई नीचे का स्क्वायर। अब इसको आप जब टोटली सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर है इसलिए ग्रेटर देन ज़ीरो है, और आपका जो x है वो क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो ये चीज़ कन्फर्म है कि ये ओवरऑल इज़ वॉट, ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। सो हमने देखा है कि अगर f डैश x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तो ये क्या है, f ऑफ x इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये हमने कहाँ से निकाला था, ये हमने एल एम वी टी थियरम से, हमने इनकी एक तरह से करोलरीज निकाली थी या फिर उससे कुछ डिडक्शन निकाले थे, ठीक है। सो f ऑफ x इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बिकॉज f डैश x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। और उसी तरह से देखो, अगर x ग्रेटर देन ज़ीरो है और ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब f ऑफ x इज़ ग्रेटर देन f ऑफ ज़ीरो, है ना। अगर x वन x टू से बड़ा है, इंक्रीजिंग है, तो f ऑफ x वन f ऑफ x टू से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वही चीज़ लगाई है मैंने। तो f ऑफ x क्या है आपका, ये log वन प्लस x माइनस x अपॉन वन प्लस x, और f ऑफ ज़ीरो कितना है, देखो f ऑफ ज़ीरो मतलब मैं यहाँ पे ज़ीरो रखूँगी तो आपका f ऑफ ज़ीरो कितना आ जाएगा, log वन, log वन यानी कि ज़ीरो, और माइनस ज़ीरो अपॉन वन प्लस ज़ीरो यानी कि ज़ीरो। सो f ऑफ ज़ीरो कितना आ गया, ज़ीरो आ गया, है ना। सो log वन प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, और जो हमने प्रूफ करना था वो यहाँ पे हो चुका। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, वो ये कह रहा है कि आपका x इनवर्स log वन प्लस एक्स है, ये एक डिक्रीजेस मोनोटोनिकली। फिर से हम इसको एक नया फंक्शन कंसिडर करते हैं, लेट कैपिटल f ऑफ x इज इक्वल टू log वन प्लस एक्स डिवाइड बाई x, ठीक है। अब इसको जो है मैंने मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दिखाना है, यानी क्या कि इसका फिर से f डैश निकाल देना। तो f डैश निकालने पर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा कि नीचे का एज इट इज़ x और ऊपर का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस फर्स्ट, नीचे का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 और ऊपर एज इट इज़ log 1 प्लस x होल डिवाइड बाय नीचे का स्क्वायर, यानी कि आपके पास जो ऊपर वाला आ रहा है वो क्या बन रहा है, x अपॉन 1 प्लस x, ये जो ऊपर वाला बन रहा है ये क्या बना, x अपॉन 1 प्लस x माइनस log वन प्लस एक्स, और ये किसके बराबर है, ये आपका माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है। इसमें से अगर माइनस साइन कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाता है, ठीक है। और इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता है, तो माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो कि आपका क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा। क्यों लेस देन ज़ीरो होगा, क्योंकि आपका जो एक्स स्क्वायर है ये क्या है, ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। और जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो आपने देखा कि आपका एफ ऑफ एक्स क्या आता है, यहाँ से f ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आता है, ठीक है। f डैश x तो ग्रेटर देन ज़ीरो है, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ पे f ऑफ x की बात चल रही है कि f ऑफ x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। सो ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ये ओवरऑल ग्रेटर देन ज़ीरो है, और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि f डैश x लेस देन ज़ीरो आ गया। इसलिए आपका f ऑफ x क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, बिकॉज आपको पता है कि अगर f डैश x जो है वो लेस देन ज़ीरो आता है, इसका मतलब है कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज़ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। अब क्योंकि यहाँ पे हमारी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ हुआ, यानी कि ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स का यूज़ हुआ, इसलिए ये दो क्वेश्चन इसी में इन्वॉल्व हो गए। जैसे अभी हमने सेकेंड एग्जांपल सॉल्व किया, वैसा ही एक थर्ड एग्जांपल है जो कि थोड़ा सा आसान भी है, इंटरेस्टिंग है, कि देखिए v माइनस यू अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर इज लेस देन टेन इनवर्स v माइनस टेन इनवर्स u इज लेस देन वी माइनस यू डिवाइड बाई वन प्लस यू स्क्वायर। आपको कुछ कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, टेन इनवर्स वी दिखाई दे रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन वन प्लस वी स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है, टेन इनवर्स यू दिखाई दे रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे गिवन ये है कि ये यू वी किस तरह से हैं, यू वी दोनों पॉजिटिव हैं और यू वी से छोटा है, ठीक है। सो ज़ीरो इज लेस देन वी एंड वी इज लेस, सॉरी ज़ीरो इज लेस देन यू एंड यू इज लेस देन वी, एंड हमने इसी चीज़ से ये नीचे वाली जो टर्म है इसको भी डिड्यूस करना है, सारे नंबर्स हैं इसमें, कि पाई बाई फोर प्लस थ्री बाई ट्वेंटी फाइव इज़ लेस देन टेन इनवर्स
फोर बाई थ्री इज लेस देन पाई बाई फोर प्लस वन बाई सिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम इसको शो करते हैं, ये तो अपने आप हो जाएगा। तो एक चीज़ बस आपने यहाँ पे ये करना है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। तो शुरुआत कहाँ से करनी है, फंक्शन लेने से करनी है। तो फंक्शन हम कैसा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी इंडिकेशन दिखाई दे रही है कि फंक्शन हम लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे क्योंकि आपको दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, हम दो वेरिएबल नहीं कूदेंगे, हमने एक वेरिएबल पे ही अटके रहना है। सो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। आपको पता है कि इसका सॉरी डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो टेन इनवर्स एक्स ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल भी है, आपका डिनोमिनेटर कभी भी इन्फिनिटी वगैरह नहीं आएगा, मतलब ये ओवरऑल कभी भी इन्फिनिटी वगैरह नहीं देगा। तो ये डिफरेंशिएबल भी है और क्या है, कंटिन्यूस भी है, लेकिन किस पे ऑन हम किस पे बात कर रहे हैं, यू कॉमा वी इस इंटरवल पर और ओपन इंटरवल यू कॉमा वी पर ये डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, सो बाय एल एम वी टी थियरम हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो हमारे पास एक सी मिलेगा इस ओपन इंटरवल यू वी में कुछ इस तरह का कि एफ डैश सी किसके बराबर होगा, एफ ऑफ वी माइनस एफ ऑफ यू डिवाइड बाय वी माइनस यू, जहाँ पे वी देखिए आपका लास्ट वाला पॉइंट है और यू आपका इनिशियल पॉइंट है। ठीक है ना, सो ये बी हो गया और ये ए हो गया और नीचे बी माइनस ए हो गया, है ना। तो ऐसे अलग वेरिएबल डाल देते हैं तो कन्फ्यूज नहीं होने का, है ना। और एफ डैश सी क्या है आपका कि एफ डैश सी यानी कि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टेन इनवर्स सी लिख दिया, एक्चुअली टेन इनवर्स सी का डिफरेंशिएशन यानी कि वन अपॉन वन प्लस सी स्क्वायर है ये। तो वन अपॉन वन प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, टेन इनवर्स वी माइनस टेन इनवर्स यू डिवाइड बाई वी माइनस यू, और ये दो बार लिख दिया मैंने, है ना, कोई बात नहीं। वन अपॉन वन प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये सारी चीज़ें। अब देखो ध्यान से कि आपका c जो है वो u से बड़ा है, c जो है वो u से बड़ा है। ठीक है, मैं एक ही चीज़ यहाँ पे लिख के दिखाऊंगी कि जो c है वो u से बड़ा है, तो सी स्क्वायर भी यू स्क्वायर से बड़ा ही होगा। तो वन प्लस सी स्क्वायर जो है वो वन प्लस यू स्क्वायर से बड़ा होगा, तो वन अपॉन वन प्लस सी स्क्वायर जो है वो वन अपॉन वन प्लस यू स्क्वायर से छोटा हो जाएगा रेसिप्रोकल लेने पर। तो वैसे यहाँ पे आ गया कि अगर सी यू से बड़ा है सो वन अपॉन वन प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन वन अपॉन वन प्लस यू स्क्वायर। उसी तरह से अब सी जो है वी से छोटा है तो इस केस में उल्टा हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस सी स्क्वायर जो है वो बड़ा हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर से। तो बीच में कौन है, बीच में है आपका वन अपॉन वन प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से रिलेशन क्या दिखाई दे रहा है कि सबसे छोटा है वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, फिर है वन अपॉन वन प्लस सी स्क्वायर एंड देन वन अपॉन वन प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों को आप एज इट इज़ रखिए। और वन अपॉन वन प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन ये तो इसके बराबर है, यानी कि इसको पुट करेंगे यहाँ पे टेन इनवर्स वी माइनस टेन इनवर्स यू डिवाइड बाय वी माइनस यू, है ना। और अब जो है इस वी माइनस यू को सब जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो क्या बन गया, वी माइनस यू डिवाइड बाय वन प्लस वी स्क्वायर इज लेस देन टेन इनवर्स वी माइनस टेन इनवर्स यू वी माइनस यू डिवाइड बाय वन प्लस यू स्क्वायर। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। अब सवाल ये है कि हम इसको डिड्यूस कैसे करें, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है फोर बाई थ्री, यानी कि वी को ले लीजिए आप फोर बाई थ्री। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है पाई बाई फोर, तो आपको पता है कि टेन इनवर्स पाई बाई फोर इज़ वन, तो एक यू ले लीजिए आप वन। और जब आप इनमें पुट करेंगे, आप इस वाले टर्म में वी फोर बाई थ्री और यू जो है वन पुट करेंगे तो आपको मिलेगा थ्री बाई ट्वेंटी फाइव। उसी तरह से जब आप इस साइड वी फोर बाई थ्री और यू वन रखेंगे तो ये मिलेगा वन बाई सिक्स, और बीच में रखेंगे तो टेन इनवर्स फोर बाई थ्री एज इट इज़ माइनस टेन इनवर्स वन कितना हो जाएगा फोर पाई बाई फोर। अब इस पाई बाई फोर को हर जगह ऐड कर दीजिए तो वही मिल जाएगा जो आपको मतलब ढूंढना था। ठीक है, जो आपको प्रूफ करना था। सो दिस इज़ योर थर्ड एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल कि मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस साइन वाई इज लेस देन और इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यानी कि जो एंगल है ना इनके डिफरेंस से जो है साइन एक्स माइनस साइन वाई लेस देन और इक्वल टू हो जाता है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना, कहीं पर हम हो सकता है हम इस चीज़ को यूज़ कर सकें। तो इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई देन नथिंग टू प्रूव, क्या प्रूव करना है ना, क्योंकि उस केस में जीरो इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म आ जाएगा। मान लेते हैं कि x जो है y से बड़ा है, अब x जो है y से बड़ा है तो हम एक क्लोज इंटरवल बना सकते हैं y कॉमा x,
ठीक है, और इस पे एक फंक्शन बनाएंगे एफ ऑफ टी। अब मैं यहाँ पे एक्स नहीं लूँगी क्योंकि एक्स इसमें ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, सो टी ले लेते हैं। सो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी ऑन दिस क्लोज इंटरवल वाई कॉमा एक्स। अब आपको पता है कि जो साइन टी है वो कंटिन्यूस होता है, वो डिफरेंशिएबल होता है, तो एल एम वी टी की सारी प्रॉपर्टीज़ को ये होल्ड कर लेता है। सो बाय एल एम वी टी एक हमको इस ओपन इंटरवल वाई कॉमा एक्स में एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर मिलेगा अल्फ़ा, सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ डैश अल्फ़ा। ठीक है, एफ डैश अल्फ़ा आपका जो एफ डैश एक्स है, या सॉरी यहाँ पे एफ डैश टी है, वो कितना हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा, और आपने टी की जगह क्या रख देना है, अल्फ़ा रख देना है, यानी कि कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। सो अब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई कितने आ जाएंगे, साइन एक्स माइनस साइन वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। इसका मॉड निकाल दीजिए, तो ये इसका पूरा मॉड इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, और आपको पता है कि कॉस अल्फ़ा का मॉड इज़ लेस दैन इक्वल टू वन, क्योंकि कॉस का जो वैल्यू है वो माइनस वन और वन के बीच में होता है, सिंपल सी बात है। सो इसका जो मॉड है वो लेस देन और इक्वल टू वन हो गया, है ना। अब जो डिनोमिनेटर है उसको उस साइड ले लीजिए, सो मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस साइन वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई। अब देखो कितनी क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग बात थी है ये कि साइन एक्स माइनस साइन वाई का जो मॉड होगा वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा मॉड एक्स माइनस वाई, और एक्स और वाई कुछ भी रियल नंबर होंगे। ठीक है, सो दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। आई होप आपको ये चारों एग्जाम्पल समझ में आए हों, और आशा करती हूँ कि आप एल एम वी टी जो थियरम है हमारा, लैग्रांज मीन वैल्यू थियरम और रोल्स थियरम, इनको आप समझ पा रहे हों, क्योंकि ये आपका बेस है और इसी से हम जो है और थियरम प्रूफ करने वाले हैं। तो चलते हैं, चलिए तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक आप जो है और एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए ऑन रोल्स थियरम, एल एम वी टी। सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।